एक ऐसा देश जहाँ की आर्मी मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए गधों का इस्तेमाल करती है, और एक ऐसी रोड जो कहीं से भी कर्व नहीं है। नंबर 15, आपने एप्पल्स तो खाए होंगे, पर क्या आपको इस बात का अंदाजा है एप्पल्स की कितनी वैरायटीज पाई जाती हैं? तो आपका जवाब होगा 7-8, पर आप ये सुनकर चौंक जाओगे, एप्पल की 7000 से भी ज्यादा वैरायटियां पाई जाती हैं, और उनमें से 12 वैरायटी सी सोल्ड होती हैं, और इनमें से कुछ एप्पल्स इतने महंगे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि स्काई इची एप्पल 9000 रुपीज सिर्फ 6 एप्पल के लिए। नंबर 14, आपने ऐसे कई रोड्स देखे होंगे जहाँ कार चलाना नामुमकिन सा लगता है छोटे और स्लिपरी टर्न्स की वजह से, लेकिन क्या आपको पता है अमेरिका में कैसा रोड है जिसे डेथ वैली रोड कहा जाता है, और ये रोड 200 किलोमीटर तक स्ट्रेट है। ये रोड कहीं से भी कर्व नहीं है, और अमेरिका में सिर्फ एकलौती यही रोड है जहाँ कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है। और आपने इंटरनेट पर कई इमेजेस देखे होंगे स्ट्रेट रोड की, उनमें से 80% वीडियोस इसी रोड की होती है। नंबर 13, टीवी वर्ल्ड यानी कि सिनेमा वर्ल्ड में ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें हम नॉर्मल पब्लिक में नहीं दिखा सकते, पर 1994 तक टीवी पे फाट मारना मना था, यानी पादना मना था। 1994 में एक फिल्म आई थी और उसमें पुम्बा एक ऐसा पहला कैरेक्टर था डिज्नी का जिसने टीवी पे फर्स्ट टाइम फाट मारा था। अमेजिंग। नंबर 12, ये फैक्ट काफी अजीब है। एक आदमी था 66 साल का और उसे पेट में अचानक से दर्द होने लगा, और जब वो डॉक्टर के पास गया चेकअप करने के लिए, तब उसे ये पता चलता है कि वो आदमी नहीं औरत है, और उसने अपनी जिंदगी के 66 साल आदमी बनकर बीते हैं। उसका कहना है उसके मम्मी पापा उसे लड़की की तरह ट्रीट करते थे, और इसलिए उसे कभी भी पता नहीं चला कि वो एक लड़की है। नंबर 11, जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट, उन्हें 23 ईयर से ही टीथ में प्रॉब्लम थी, और इन्हें नकली दांत यूज करने पड़ते थे, पर वो टीथ प्लास्टिक के नहीं असली मांसपेशियों से ही बने हुआ करते थे, और इसीलिए उन्हें वो हर महीने बदलाना पड़ता था। और तो और ये भी पता चला है कि वो कई बार अपने कर्मचारियों के दांतों का इस्तेमाल करते थे सिर्फ अच्छा लगने के लिए। नंबर 10, हम डॉग्स और कैट्स को अपना पेट बनाते हैं, पर जानिए ग्रिल बोटो ग्रान के बारे में। असल में ये एक फोटोग्राफर है, और इन्हें नदी में एक बार क्रोकोडाइल मिला जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और ऑलमोस्ट मर चुका था, पर इन्होंने उसे बचाया और उसका ट्रीटमेंट कराया। शुरू में तो उन्हें बहुत डर लगता था, पर अब ये काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और आप ये फोटो देखकर बता सकते हैं कि ये साथ में स्विमिंग करते हैं और ये हैप्पी हैं। नंबर 9, क्या आपने कभी ऐसा सुना है ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से किसी को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया हो? अगर आपको लग रहा है कि ये क्या मजाक कर रहे हो, पर ये सच है। साउथ अरेबिया में रहने वाले ओमा बोर्केन एल गैले देश को छोड़ना पड़ा, पर बस इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैंडसम थे, और गवर्नमेंट को लगा इनकी सुंदरता हमारे राजा को चैलेंज कर रही है, और इतने हैंडसम होने की वजह से लड़की इनके प्यार में पागल हो जाएगी, इसलिए इन्हें देश छोड़ना पड़ा। क्या किस्मत है बेचारे की। नंबर 8, आपको ये पता होगा ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रिल्स का यूज किया जाता है। आपने इंडिया में कई सारी जगह पर देखा होगा, पर क्या आपको पता है फॉरेन में ये बेंच भी बन जाता है और ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन भी। ये 2-in-1 वाला काम करता है, कमाल का आइडिया है ये। नंबर 7, आपने कई देशों की आर्मी देखी होगी और उनके हथियार भी, पर आपने ऐसा हथियार कभी नहीं देखा होगा कि इराक जो देश है उसकी आर्मी इस मिसाइल लॉन्च करने के लिए गधों का इस्तेमाल करती है। वो लॉन्चर्स को उनकी पीठ पर बांध देते हैं और फिर उसे लॉन्च करते हैं। उनका मानना है कि ऐसे टाइम बचता है मिसाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। नंबर 6, आपको क्या लगता है कि आप बहुत लकी हो? अगर हाँ तो जानिए सोतेस बाइन के बारे में। इन्होंने एक गार्बेज सेल से $3 का बाउल खरीदा था, बस इसलिए उन्हें बाउल का डिजाइन अच्छा लगा था। कुछ साल बाद इनको पता चलता है कि इसकी असली कीमत $2.2 million है, और ये एक ओरिजिनल चाइनीज मेडिटेशन बाउल है, और अब ये बाउल म्यूजियम में रखा हुआ है। सोचिए वो व्यक्ति कितना लकी होगा और उसे बेचने वाला कितना अनलकी। नंबर 5, जापान में काम को इतना सीरियस लिया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और इन्हें अपने काम पर लेट पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसीलिए जापान में अगर कोई रेलवे ट्रेन के सामने आकर सुसाइड करता है तो उसकी फैमिली वालों को फाइन भरना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सबको लेट कराया और उनको इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ा। नंबर 4, क्या आप बहुत ज्यादा सोचते हो छोटी छोटी चीजों को लेके? अगर हाँ तो आप ओवर थिंक करते हो, पर क्या आपको पता है जो आदमी ओवर थिंक करता है वो दरअसल अच्छे फ्रेंड्स बनाता है और एक अच्छा फ्रेंड भी बनता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग एसोसिएटेड है सिंपैथी से, जिससे आप दूसरों का ख्याल भी रख पाते हो उनकी फीलिंग्स को समझ के। नंबर 3, आपने कई प्रकार की लैंग्वेज सुनी होगी जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, पर क्या आपने कभी विसलिंग लैंग्वेज के बारे में सुना है, जिसमें लोग एक दूसरे से सीटी बजाकर बात करते हैं? ये लैंग्वेज है स्पेन की, और इसे कहा जाता है सिल्वो गुमेरो, और बस ये लैंग्वेज स्पेन के कैनरी आइलैंड पर ही बोली जाती है, और उनका कहना है आवाज से ज्यादा तेज विसल सुनाई देती है, और इसीलिए वो पहाड़ों पर इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, मैं आपको माइक्रोस्कोपिक दुनिया के सबसे अमेजिंग चीजों को दिखाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये एक चींटी का सिर है, और ये जो आप देख रहे हो ये कैट का टंग है यानी कि ये उसकी जीभ है, और ये जो है ये सैंड है यानी कि रेत। और आपको ये देख के क्या लगता है? सोच के देखो, ये असल में एक मच्छर का पैर है। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि जो शाई पीपल होते हैं यानी कि जो लोग शर्माते हैं
उन्हें टॉपिक ढूंढने यानी जिससे रिलेटेड बात करना है उसे ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब रिप्लाई करने का टाइम आता है तब वो सबसे बेस्ट रिप्लाई देते हैं। दोस्तों ये हमारे चैनल का फर्स्ट फैक्ट वीडियो है, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर देना।